हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई बालों को इग्नोर करना, थोड़ा सा देख रहे हो, हेलमेट वेलमेट से बाल हो जाते हैं खराब थोड़े। ये देखो भाई क्या लोकेशन है, और ये देखो इसको पहचानने में कौन है, टॉप स्पीड टेस्ट कर रहा है ये फांसी की भुवन की है। भुवन आपकी बाइक के साथ रेस ड्राइविंग, कुछ भी करे मुझे क्या, गिरे मरे अकेले है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करे मुझे क्या दिक्कत है। ये देखो ये अपने आपको फटा हुए को ठीक करवाएगा। भाई कैसा लग रहा है, राइडर ही लग रहा पूरा, ब्लैक हेलमेट में, ब्लैक वाइजर में। भाई दो मिनट एक्सपीरियंस पूछने दो। हाँ बोलो, आप पहले बोलो। फोटो खींचे बढ़िया वो आ रही है भाई, यहाँ दोनों ऐसा, दोनों लोग उसमें मजा, पता नहीं चलेगा क्या, पता नहीं चलेगा। यहाँ तो यार रस्सी लगानी पड़ेगी, एक वहाँ पे, वहाँ से स्टार्ट करके एक रस्सी यहाँ पे, फिर पता लगेगा जिसने पहले तोड़ी वो विनर। धूल कर दी भाई, भाई तूने करी है धूल, वो तो मैंने नीचे। भाई वो देखो वहाँ पे ना, हम वहाँ से आए थे अभी, क्या लोकेशन थी वहाँ, पीछे गए थे ऊपर ऊपर ऐसी पेड़ों के बीच में, एकदम वो था भाई। यहाँ पे किसी को गाड़ी सीखनी है ना राजनगर एक्सटेंशन में, वो यहाँ आ सकता है। लाइटें भी नहीं है और आ भी नहीं पाएंगे, हमारी बाइक में लाइटें हैं भाई। अरे मतलब रात में, वैसे अच्छी लोकेशन है रात के हिसाब से, कोई भी पकड़ के कुछ भी कर सकता है। खाली रास्ता भाई पूरा, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है भाई, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही, देख रहे हो आप दूर दूर तक सारी वो बन रही है बिल्डिंगें, पीछे बिल्डिंगें भाई। राजनगर पहले पूरा खाली हुआ करता था, अब धीरे धीरे पॉर्च इलाके में कन्वर्ट हो रहा है, देख रहे हो आप पीछे भी, वहाँ भी सारी बिल्डिंगें यहीं बन रही है। हम यहाँ पीछे वाली साइड से आए थे, वहाँ से अभी मैं आपको मेन रोड भी दिखा दूंगा। भाई बाइक चलाते वैसे होती नहीं है व्लॉगिंग, जहाँ रुकते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने कहा नई लोकेशन से स्टार्ट करता हूँ जरा व्लॉगिंग, है ना, नई लोकेशन से स्टार्ट करने में ज़्यादा सही रहता है। और भाई और भी देखते हैं, कहीं और चलते हैं तो आपको मैं दिखाऊंगा। हमने कहा एक बार ऐसी नई जगह एक्सप्लोर कराते हैं, बहुत टाइम हो गया कहीं दूर नहीं गए, है ना, तो हमने कहा यहाँ चलते हैं एक बार। हेलमेट लिया हमने घर से, डायरेक्ट हेलमेट पहना और आ गया मैंने पहले। भाई उसका हेलमेट पहना था भाई, इसका हेलमेट दिखाइयो, ये हेलमेट भाई इतना टाइट है भाई, क्या साइज है ये हेलमेट का, पता नहीं मेरे को, लेकिन सही लगता है। मैं बता दूं ना, देखिए गुस्सा यहाँ लिख रखा होगा, नहीं लिख रखा भाई, पर है आईएसटी ब्रांड, आईएसआई मार्क, वो तो वो है कि इसमें तो क्या फायदा होता है, जैसे देख वहां से आ रहा हूं तो ना, ये देख ना मयूर विहार से, जैसे मैं विशाली आ रहा हूं, सुन ना, तो जैसे दूसरा हेलमेट जैसे वाला हेलमेट हो गया, हां जब ऊपर जब नीचे आ रहा ना उड़ जाता है पूरा, दो तीन बार हुआ है, लेकिन इतना टाइट है ना, उड़ता ही नहीं है ये, एकदम कुशन टाइप, वो दिक्कत, वो तो भाई हर उसमें रहता है हेलमेट में भी, ये भाई ये पापा का हेलमेट है, बहुत ज्यादा पुराना हो गया है। अबे ये नए वाले हेलमेट है ना भाई, जो स्पोर्ट्स की बाइक के लिए लगाते हैं, तो बीच टाइट रहते हैं, मतलब टाइट भाई। भाई हमारा थोड़ा गांव की लैंग्वेज बोलता, मरेंगे नहीं, जैसे इस जैसे बंदे हो गए, अभी तेज चलाता है, फटता है इसका सर तो बच जाता, पैर वैर फटता है, मैंने मारा कि सर बच जाता। अभी देख ना ये देख, ऐसे बेटा सारी हंसी निकल गई, ऐसे अभी से डालने का फसाना पड़ रहा है। इसमें तो भाई बिल्कुल ही राइडर लग रहा है, जो भाई गिर गए थे तेरी बाइक से। अबे वो तो होता रहता है भाई, ये ना एचएफ चलाता है दूध वाली बाइक, तो उसमें एबीएस आता है थोड़ा, नकली वाला नकली वाला एबीएस आता है, तो इसने ब्रेक मारी एकदम से, इसका आगे वाला टायर वो हो गया लॉक, तो ये ऐसे हल्की सी स्किट हो गई बस, गिरा विरा नहीं भाई, ऐसे कौन गिरेगा। इंजन ऑयल भाई मेरी बाइक में इंजन ऑयल खत्म हो रहा है, पता आपको, बहुत हार्श सी चल रही है, अजीब सी जैसा लग रहा है, हम इसको क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जबरदस्ती टॉर्चर कर रहे हैं चलाने के लिए, बहुत अजीब सी, हाँ बहुत बहुत ज्यादा पेट्रोल पी रही है वैसे भी। चलो भाई चलते हैं, लोकेशन देख लिया आपने, बहुत खा लिया भाई, यहाँ पे किसी को गाड़ी सीखनी मैंने बता दिया, आप आ सकते हो राजनगर एक्सटेंशन में, पीछे की साइड है, पता नहीं ऐसे मैं आपको एक्यूरेट तो नहीं बता सकता बिल्कुल की कौन सी जगह है, पर खाली खाली है, काफी सही लग रही है यार, यहाँ पे लगा के हम गाड़ी का शूट भी कर सकते हैं, पर ऐसी कोई खास जगह नहीं है यहाँ, थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा है, अगर नॉर्मल यहाँ थोड़ी ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी जो आएगी ना उसकी शूट कर सकते हैं यहाँ पे दूर ला के। अंतरिक्ष यहाँ वो वाली गाड़ी का रिव्यू कर सकते हैं जो ऑफ रोडिंग टाइप में है, ऑफ रोडिंग का है, सारी बढ़िया रहेगी। नहीं यार जैसे हम यहाँ पे वो लिया है क्रूज, वो यहाँ पे क्रूज कैसे लेगा, वहाँ से मेन रास्ता है ना, पीछे से भी है, वहाँ से पूरा घूम के आना पड़ेगा आगे से दूसरे कट में, हाँ मतलब वहाँ से मेन रोड से आगे से घूम के वहाँ पीछे से फिर वहाँ से वो रास्ता, देखो वो गधे भी दिखा दे, एक गधा ये रहा एक वो गधे, वो भाई गधे नहीं है ये, हमारे वाले भाई बकरी है, हाइट तो लंबी है, बकरी है भाई, हमारे वाले की हाइट लंबी है, बकरी है भाई, बकरी है वो, हाँ कोई नहीं, हमने तो चलो भाई अभी आपको दिखाता हूँ और भी कुछ, शाम में आए शायद हम, यश के साथ भी आए शाम में, यहाँ नहीं आ पाएंगे, बहुत ही थोड़ा सा, दो बार अब हर दो दिन में तुमको इसी जगह के ब्लॉग दिखेंगे, एक जगह देख रही ना अभी लोग, हर दो दिन में यही आएंगे ना भाई, अब धीरे धीरे नई लोकेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं ना हम भाई, चलना तो कोई पहाड़ों में चलो, पहाड़ों में गाजीपुर कोलकाता
गाजीपुर के पहाड़ पे चलते हैं, गाजीपुर वाले पहाड़ पे चलते हैं, काला पहाड़ होना है, हिल क्लाइंब जंप रेसिंग करेगा क्या? अभी वो भी हो रही होगी मेरे ख्याल से, भाई वहां बाइक से करते हैं हिल क्लाइंब रेसिंग। वैशाली के बंदो कुछ मतलब कोई एक बंदा आया भी नहीं होगा इस जगह पे, उन्हें पता भी नहीं होगा। अच्छा यूं तू अकेला समझदार पैदा हुआ है पूरी शादी में? सही में भाई नहीं गया वो, जो आईडिया तो मेरा था होगा उसमें बहुत ज्यादा दिमाग होगा कि भाई वो यहाँ पे दिया हर कोई चाहिए था मिला देखना जैसे कि मेरे में मैं अपनी बाइक नहीं ला क्या तू तो भाई उस्ताद बाइक की बात तो छोड़ दो मेरे भाई। अच्छा था बंगला टाइप जा रहे थे वो तो भाई घुमा लेके जाऊंगा। हाँ भाई गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये इसने प्लान बनाया कि इसने प्लान बना, किसने प्लान बनाया था? तो मेरा था बंगला साहिब, बंगला साहिब जाने का प्लान था भाई ये, ठीक है ये मुझको कह रहा भुवन आ रहा है चलते हैं, मैंने थोड़ा नॉनवेज खा लिया था इसलिए मैं जा नहीं पाया, वरना मैं भी जा रहा था। ये निकल गया घर से कह रहा भुवन पंचोल नहीं है टाइम का है, सही बात है ये भुवन पंचोल नहीं है टाइम का, लेट कर देता है, बोलता कुछ और है करता कुछ और है, एक बजे निकलने के लिए बोलता है ढाई बजे निकलता है तो ये उसके चक्कर में ये निकल गया। फिर यमुना बैंक पे इसने उतारा इसको और वहां से उठा के इसने उतारा उसको वहां से बिठाया बाइक पे और वहां से दोबारा वैशाली लिया। फिर ये आप देख पा रहे हो इसकी बाइक हमारे साथ ही है, वो छोड़ वो तो बता, वैशाली से पहले यमुना बैंक गया और मैं मयूर विहार से यमुना बैंक और वापस घूम के वहां से वापस वैशाली आ गए। मैंने बोला कोई वहां पे खड़ा हुआ बंदा चिप्स खा रहा इतना गंदा भाई, किसी को भी जाना हो ना कभी यमुना बैंक के मेट्रो स्टेशन पे जाना ही मत, ये रोड है यमुना बैंक के मेट्रो स्टेशन की है। हाँ अबे इसे बताना चढ़ाइया है पूरी, ब्रेकरी ब्रेकर ब्रेकरी ब्रेकर चढ़ाइया भाई। सुन लिया ना भाई आपने, ऐसी रोड है जिसको जाना हो चले जाना, जिसके अंदर चलोगे वो तो जाएगा ही, जिसका काम है वो भी जाएगा ही। यमुना बैंक के मेट्रो स्टेशन भाई क्राउड ही नहीं है, जीरो क्राउड, बिल्कुल जीरो क्राउड, फिर काम नहीं पड़ता होगा। तो चलो भाई आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है भाई ये देखो क्या चल रहा है इनका, लगा ही नहीं रहा, लड़ाई कर रहे थे अभी, अब कर ही नहीं रहे। देखो भाई खुले में पंजे में लड़ाई का मजा ही अलग है। मैं पागल ब्लॉग मत बना, मैं अभी जब हारते हुए तो नहीं बनाया, हारते हुए लगा जान क्या हो, खत्म हो गई, निकल गई जिंदगी जा भाई, साइड से आई आई अबे ये क्या हो रहा है भाई, मैं भी हार गया इनसे अबे, इसकी बाइक से इसी तरह ऐसे होता है भाई बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे हो बे ऐसे, अरे मैं ना किसी से भी बना भाई, किसी से भी कर जिसमें जान होगी वही जीतेगा। नहीं भाई अबे तू आ जा, मैं तो हार गया, मैं तो हार गया, क्या कहने चाह रहे मेरे में जान ज्यादा है, वो तो है गाइस मेरे में जान ज्यादा है, मेरे में जान नहीं है। अबे नहीं यार कुछ दिक्कत हुई थी, तू एक बार फिर से आ, अबे तू इधर आ मैं लगाता हूं, आ जा तू जा एक बार इसको हरा दे, इसकी गमन तोड़ दे, हटा हरा भाई हरा, 3 2 1 ले बेटे जान है भाई उसमें, उसमें ट्रिक है, जान नहीं है उसमें, अबे नहीं उसमें जान भी है, तू आ ट्रिक है उसमें, लो भाई शूट करो, अबे नहीं शूट पुट मत कर यार, करो भाई मेरे को भी हारते हुए दिखना है, दिखाना है व्यूअर्स को कि मैं भी हारता हूं, हारता ही है तू। अबे लेकिन मैंने 5-6 बंदों से एक साथ लगाया था, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अच्छा कंगले भाई मेरे तो जान ही नहीं है यार। अच्छा ले फिर मैं भी एक पैर ऊपर रख लेता, फोन रख दूं यार बहुत तेज है, अरे थोड़ा सा आ गया भाई, हाथ कहाँ खींच रहा है ले, बस तेरी हाइट छोटी मेरी गलती, सीधा रख सीधा ले ले पीछे रख भाई, क्या कर रहा है ये अजीब बंदा गाइस, इसको बताओ कैसे पंजा लड़ता है, हाथ सीधा तो करना है, चलो चलो 3 2 1 अबे रुक तू भाई, लगाने नहीं दे रहा जान, बंदा अपने में ही चालू हो गया, सीधा रखा हाथ सीधा रख भाई, हारने वाले का 100 बहाने, 3 2 1 हार गया गाइस, जान ही नहीं है गाइस मेरे में, अभी पता सारे काट काट के से तेरा और मेरा डालेगा बहुत तेज है ये, नहीं 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 पक्का लाइक गाइस देख लेना मैं अभी हारो, मैं अब भाई अब सामने सामने लगाओ, देखते सामने सामने, अबे लेट हो रहे हैं चल रहे हैं भाई, चुप भाई, ये बहुत ज्यादा तेल पी रही थी अभी। अच्छा ये वही भाई हमारा हार्ले डेविडसन को धक्का लगवाया था भाई, अब ये देखो मैं इससे वो करवाने आया था भाई, बिल्कुल भी एवरेज नहीं दे रही भाई ने सेट कर दिया था भाई, ये देखो इंजन ऑयल इसमें पता ही है पी रही है, अब इंजन ऑयल थोड़ा सा डाल रहे भाई, साफ है ना पक्का, ये देख नहीं रहा हो तुम्हें यार, बॉस का आता है तो आप यही बेचते हैं 75 रुपए की डब्बी आती है, बताइए क्या बॉस का, हाँ भाई लेके हमें होलसेल का काम है हमारा, स्पेयर पार्ट से मुझे बता रहा था, तो दिलवा दिया करो ना हमें, पक्की बात है देख मेरे को शेयर लेने दो उनकी उनकी दुकान का, देखते हाँ तो दिलवा देना फिर, दिलवा देना और क्या, तू 70 रुपए की डब्बी है वैसे भाई, लड़की रहे यार भाई, प्यार से बात हो रही है भाई, 70 रुपए की डब्बी बैठती है तुम्हारे को, 70 रुपए की बैठती है
ये तो हम 350 रुपए डाल वाले भाई, ये खराब सा लग रहा था मेरे को डाल के। हाँ भाई, तो भाई अब वापस आ गए थे वहां से, आपने देखा नहीं क्योंकि मैंने बनाया नहीं, आप देखोगे कैसे। तो अभी मेरे पैर में दर्द हो रहा भाई, मैं ना अभी थोड़ा टाइम पहले क्लाउड 9 में कूदा था ऊपर से, ठीक है, यहाँ पे दर्द हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा भाई। मेरे पैर में मेरा क्या हुआ ना, मैं थोड़ी ही ज़्यादा हाइट से कूदा था, लगभग आप मान लो इतनी हाइट से कूद गया था मैं यहाँ से, है ना, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से मेरी हाथ की रीच पूरी जितनी जाती है ना उतना वहाँ से कूदा था मैं। तो उसमें क्या हुआ ना भाई, मैं एक पैर पर कूद गया, पूरा प्रेशर जो था मेरा एक ही पैर पर आ गया डायरेक्ट, ऐसे मैं दो पैर से वो नहीं हो पाया, सिंगल साइड हो गया, तो उसमें प्रॉब्लम हो गई मेरे को, मेरा जोर से लग गई ज़्यादा। तो मैंने अब जिसके लिए दवाई लेने जा रहे हैं, मैंने थोड़े दिन वो भी लगाई वो अपनी, उससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ा, मसल रिलैक्सेशन की भी खाई उससे भी नहीं पड़ रहा भाई, अब ज़्यादा ही हो रहा है, तो मैं दवाई लेके आ जाता। और भाई मैं ज़्यादा थोड़ा सा वो हो रहा हूँ ना, अभी थोड़ा सा पतला लग रहा हूँ, है ना, तो मैंने सोचा अब थोड़ा बॉडी गेन करते हैं, तो बॉडी बनाते घर में ही, तो उसके लिए बनाना शेक पीऊँगा मैं, बनाना शेक पीएंगे। तो भाई आ गए हैं, देख रहे हो कितने पीले लग रहे हैं, ये भाई किसकी वजह से लग रहा है बताऊँ, ये लाइट है, ये लाइटों का मेन कारण होता है पीले लगता है भाई। आपने देखा होगा जैसे वो वाले उन्होंने तो सही कर रखा, उन्होंने वाइट लाइट लगा रखी, ये येल्लो है भाई, जिससे और ज़्यादा येल्लो लगेंगे, देख रहे हो, ये भी येल्लो, वो भी येल्लो, गुआवा भी थोड़े वैसे लग रहे हैं। हाँ एक दर्जन बोलो भैया निकालना भाई, मेरे ब्लॉग में केलों का रेट भी जान लो, 80 रुपए दर्जन हो रहे हैं केले, ले लिए एक दर्जन ही लिया, हल्की क्वालिटी के बननी है, अभी ना पापा ने कहा नीचे से दो बड़े केले, ठीक है, ऊपर छोटे छोटे साइज में, नीचे थोड़े बड़े वाले, ठीक है, हाँ नीचे बड़े बड़े साइज के हैं, तो पापा ने कहा नीचे से दो निकाल के, उन्होंने कहा नहीं भाई हम नीचे से नहीं देते, आप पहले ऊपर से ले लो, ऊपर वाले पड़े हुए हैं वो वाले लो, नीचे वाले नहीं देते हम ऐसे किसी को। अब वहाँ सामने केमिस्ट है, केमिस्ट पे चलते हैं भाई, दवाई लेते हैं, चला भी नहीं जा रहा मेरे से, लंगड़ा के चल रहा हूँ, एक टांग पे कंप्रेशर दे के, अब मेरे को पैर ऐसे टेढ़ा रख के चलना पड़ रहा है क्योंकि सीधा रख रहा हूँ ना तो पीछे एड़ी में दर्द हो रहा है। लेते हैं दवाई, कोई बताएंगे वो कौन सी लेनी है, ये गोली दी है, ये खाएंगे इससे देखते हैं फ़र्क पड़ता है, इसका भी आपको पता लग जाएगा। इसका सुबह शाम लेना, सुबह शाम, एक सुबह एक शाम में, ठीक है, किसी आपको हो तो आप भी देख लो, ये दवाई ले लेना, ठीक है, मैं नाम दिखा देता हूँ भाई, देख रहे हो सब यहाँ से केमिस्ट है, यहाँ सामने मूंगलियों पट्टियाँ हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है ना, जो ठंड आ रही है, तो भाई ये भी ले लो आप, अच्छा रहता है ये भाई। अब जैसे केले लिए हमने, ठीक है, हम 2 लीटर दूध लेते हैं, अब यहाँ पे आ गए हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध लेने, क्योंकि भाई 2 लीटर तो यूँ निपट जाएगा भाई, और हम अगर पीने लग जाएंगे दूध तो सही बात है, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा दूध सारा। लेते हैं 1 लीटर लेंगे या 2 लीटर, पापा को पता हो तो। ये हमारे भैया भाई, इनको भी मैंने सब्सक्राइब करा रखा, क्या हाल चाल भैया, बढ़िया सब, 1 लीटर ले लिया भाई दूध, ले ली भाई थैली, अब चलते हैं घर वापस।